हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम फेसबुक में लाइव वीमिक्स सॉफ्टवेयर से कैसे जा सकते हैं, उसमें हमारा रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, फ्रेम क्या होना चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, हम टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए हम आपको डेस्कटॉप पे चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो ये रहा हमारा वीमिक्स, मैं इसे ऑन करता हूँ। ठीक, तो इसलिए हमने वीमिक्स को भी ऑन कहा आपको स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूजन ना हो हमको, रेजोल्यूशन क्या रखना है, क्या होना चाहिए हमारा। तो चलिए, हम स्ट्रीम का हम सबसे पहले बताएंगे आपको। आपको सबसे पहले स्ट्रीम का आइकॉन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी तीनों से हम स्ट्रीम कर सकते हैं। इसे हमें डिफ़ॉल्ट ही रखना है प्रोफाइल को। ठीक, तो सबसे पहले हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमें FTP जैसे सर्वर का कोई लिंक हो या वो URL हो, हमें उसे यहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी करके यहाँ पे डालना है। तो चलिए, हम इसे चूज करते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम फेसबुक से लाइव कैसे करते हैं। तो चलिए, हम फेसबुक पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा ये रहा फेसबुक वाला, फेसबुक पे हमने क्लिक कर दिया। तो सेकंड, आपको जाना है फेसबुक सेटिंग पे। तो चलिए, हम फेसबुक सेटिंग पे आ जाते हैं। तो आपको लॉगिन टू फेसबुक, आप में आपको इसमें लॉगिन करना है। तो पॉपअप सा आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। तो चलिए, हम वेबसाइट में चलते हैं और लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा रहा वेबसाइट, हम चलिए इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। तो हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। तो आप लोगों को नीचे एक शो रहा है कीप मी लॉगेड इन टू वीमिक्स, क्या आप इसमें परमानेंटली वीमिक्स जो आप अपना फेसबुक से डालते हैं वो हमेशा के लिए सेव इसमें करना चाहते हैं, कि हम ओनली वन क्लिक में क्लिक करें, हमारा सेव हो, स्ट्रीम हो जाए। तो चलिए, हम इसे वन बार के लिए करेंगे। तो हम चलिए लॉगिन करते हैं, इसी पे चेक मार्क नहीं करते हैं, तो लॉगिन करते हैं। तो हम लॉगिन कर दिए, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये हमारे सामने शो हो रहा है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टेटस क्रिएट ए न्यू स्ट्रीम बिलो। तो हमारा ये अकाउंट हो गया विनीत पांडे नाम से, और आपको यहाँ पे टाइटल डालना है। तो चलिए, हम इसमें टाइटल डाल देते हैं। तो टाइटल में हम डाल देते हैं वीमिक्स, ठीक, लाइव। अब हमें डिस्क्रिप्शन में डालना है, जैसे डिस्क्रिप्शन में हम अपना कुछ भी डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए, हम हेलो टू ऑल ही लिख दे देते हैं, सपोज आपको दिखाने के लिए। आपको लोकेशन करना है, जैसे आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं यहाँ से, आप कहाँ पे हैं, कहाँ का आप डालना चाहते हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आई थिंक इसमें लोकेशन का चूज करने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। तो चलिए, हमें सेकंड प्रेवेंसी देखते हैं। तो प्रेवेंसी में आपको पब्लिक करना है या ओनली हमारे फ्रेंड देखें या ओनली मी करना है। तो मुझे ओनली मी करना है। और आप लोगों को अगर लाइव जाना है तो आप लोग पब्लिक करिएगा। तो चलिए, हम ओनली मी पे, क्योंकि मुझे ही दिखे, मुझे और किसी में, मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक, तो सिक्योर कनेक्शन इसे चेक मार के रहने दे, और इसे ये जरूर ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड स्ट्रीम होना चाहिए। तो हमें सिक्योर इस पे भी हमारा क्लिक होना चाहिए। ये हमें एडवांस ऑप्शन दिया हुआ है 360 डिग्री जो हमारा वीडियो, इसे हम यू चेक अनचेक मार्क में ही रखेंगे।
तो हमें ये हो गया, और हमें क्लिक करना है क्रिएट स्ट्रीम पे। तो चलिए हम क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया, तो थोड़ा वेट कर देते हैं। तो हमारे सामने ये हो गया, यानी हमारा जो vMix फेसबुक से लॉगिन था, मैंने लॉगिन कर चुका। तो अब चलिए क्वालिटी की बात आती है कि हमें क्वालिटी क्या सिलेक्ट करना है। तो इसमें 96 डिफ़ॉल्ट आ गया कि हमारा ये है। तो हमें बेस्ट क्वालिटी के लिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज करें, हम के क्योंकि आपका नेट के अनुसार होना चाहिए कितने Mbps आपका नेट दे रहा है। आप एक बार गूगल पे डाल के नेट स्पीड चेक कर सकते हैं, उस पर चेक करके आप इसमें डाल देंगे। तो हम चलिए सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग भी जब भी स्ट्रीम करें तो सेकंड वाला ऑप्शन ही यूज करें, 720 2.5 Mbps। ठीक, तो हमारा इस पर सेलेक्ट कर ली। तो चलिए हम ऐसे ठीक, तो हमें सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं। तो हमें चलिए बेसिकली हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो हम चलिए स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये रहा, हम स्टार्ट पे क्लिक कर दिए तो हमारा ये स्ट्रीम स्टार्ट हो गया। जस्ट वेट, ये देखिए हमारा स्ट्रीम हो गया। तो हमें देखने के लिए हम इसे कट कर देते हैं। तो हमारा देखिए स्ट्रीम हो गया। चलिए हम अपने फेसबुक पे लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसमें हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसमें कुछ इमेज वगैरह डाल दें, शायद ड्रैगन ड्रॉप नहीं ले रहा है। चलिए हमें यहाँ से हमें जाना है इमेज में, इमेज में जाके हमें ब्राउज करना है। ब्राउज में करके हमें डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप में जाके हमारा ऑल फाइल कर देना है। तो हमारा ये आ गया, अब इसे हम ओपन कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो भी ड्रैगन ड्रॉप नहीं आ रहा, तो फिर भी ऐसे आ गया। ठीक, तो हम चलिए वेबसाइट पे अपने चलते हैं, गूगल क्रोम ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा गूगल क्रोम। अब इसमें हमारा आ गया, तो हम इसे लॉगिन करते हैं। आप लोग भी लॉगिन कर लें। ये हमारे सामने ओपन हो गया। अब आप इसे हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने लाइव का दिख रहा हुआ है। जस्ट वेट, तो आपके सामने हेलो टू ऑल में लाइव किया था और आपको ये लाइव दिख रहा है। ठीक, जस्ट वेट, लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, पब्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, शेयर कमेंट। तो दोस्तों कैसा लगा? अगर आप लोगों को समझ में आया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि यूट्यूब पे हम कैसे लाइव जाते हैं।